हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेसिकली आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये पहला चैप्टर आ गया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक से ही, तो अपन फिजिकल केमिस्ट्री के जो आगे के चैप्टर है ना, वो बहुत स्मूथली कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अपन क्या सीखते हैं, इसी में बेसिकली अपन सीखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इसी में अपन सीखते हैं कि जो जितने भी आगे चैप्टर होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें जो भी कैलकुलेशन आएगी वो अपने यहाँ पर काम में आने वाली है। ठीक है, अब अपन को मॉल कॉन्सेप्ट में पढ़ना क्या है बच्चों। देखो एक्चुअल में मॉल कॉन्सेप्ट में अपन को कुछ बेसिक डेफिनेशन देखनी है, पहले बेसिक डेफिनेशन देखनी है, फिर उसके बाद अपन उनके एप्लीकेशन देखेंगे, उसी में मॉल आएगा और मॉल की कैलकुलेशन और उसकी एप्लीकेशन, ये अपना पूरा प्रोसेस रहेगा इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, बस कनेक्ट करते हुए चलो, बेसिक से बेसिक करते करते कनेक्ट करते हुए चलोगे, फिर अपन आसान एडवांस क्वेश्चन को ही बहुत इजीली बना लेंगे। ठीक है, नाउ अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक डेफिनेशन एटॉमिक वेट। अब सर एटॉमिक वेट क्या होता है, डेफिनेशन तो ऐसे कुछ दी गई है कि इट इज द मास ऑफ एन एटम, इट इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है सर, सर मास ऑफ एन एटम का मतलब क्या है, देखो ध्यान से अपन थोड़ा सा एटम के सिंबल को समझ लेते हैं। बेसिकली ये अपने पास हो गया ए और बी। अब यहां पर किसी भी एटम के सिंबल में इसे अपन डिफाइन करते हैं, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये बी हो गया अपने पास मास नंबर। ठीक है सर, एक्चुअल में जो ये सबस्क्रिप्ट में जो लिखा है ना, ये एटॉमिक नंबर और ये पावर में मास नंबर है, इसकी इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है सर। तो देखो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर जो है बच्चों, एक्चुअल में जो एटॉमिक नंबर है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है सर, क्या एटॉमिक नंबर से सर इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं क्या? हाँ, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन भी मिल सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एटम कैसा होना चाहिए बच्चों? न्यूट्रल एटम। एटम कैसा होना चाहिए बच्चों? एटम होना चाहिए न्यूट्रल। ठीक है सर, अब सर ये जो मास नंबर, इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? हाँ बच्चों देखो, मास नंबर से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है सर, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या सर इससे क्या कैलकुलेट होके आ जाएंगे? न्यूट्रॉन। सर ये एटॉमिक नंबर से डायरेक्टली प्रोटॉन मिल जाएंगे क्या? प्रोटॉन। क्या यहाँ से सर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं क्या? मिल सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। ठीक है, उस पर कोई चार्ज होना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस बात का अपन एग्जाम्पल लिखें, देखो बच्चों जैसे मैं लिखूँ सोडियम, ये कोई भी एटम है, हर एटम का सिंबल होगा। ठीक है, धीरे धीरे अपन को याद हो जाएंगे, ये 11, 23, तो इट इज द एटॉमिक नंबर, इट इज द एटॉमिक नंबर, इट इज द मास नंबर, इट इज द मास नंबर। ठीक है, अब ये एटम न्यूट्रल है क्या? ठीक है सर, न्यूट्रल है, कोई चार्ज इस पर नहीं है। अब चार्ज नहीं है तो बेसिकली न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होंगे क्या? हाँ भाई, एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होते हैं। तो देखिए सर ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और इसमें देख प्रोटॉन भी 11 होंगे, लेकिन मुझे अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं, लेकिन मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो देख मास नंबर में से माइनस कर दूं क्या एटॉमिक नंबर, तो देख कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 12 न्यूट्रॉन। ये कुछ बेसिक सा समझ में आया क्या? ठीक है, अब ये सर ये तो बहुत आसान है, एक्चुअल में अपन को एटॉमिक वेट को डिफाइन करना था, यहीं से डिफाइन करेंगे एटॉमिक वेट। देखो ध्यान से, अब बेसिकली इसके बाद अपन एटॉमिक वेट पे कैसे पहुंचेंगे, अपन को एक्चुअल में ये पता है कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, न्यूट्रॉन हो गए, बस यही होते हैं एटम के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक्चुअल में एटम में अगर मुझे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन का वेट, न्यूट्रॉन का वेट और प्रोटॉन का वेट है, तो बेसिकली अगर मैं जितने भी प्रोटॉन है, एक्चुअल में जितने भी प्रोटॉन है, क्या उनके वेट को मैं ऐड कर दूं, न्यूट्रॉन के वेट को ऐड कर दूं और इलेक्ट्रॉन के वेट को ऐड कर दूं और सबका टोटल ले लूं, क्या उससे एटॉमिक वेट आ जाएगा क्या? ठीक है सर, तो अपन को बेसिकली सभी के वेट को टोटल करके क्या फाइंड आउट करना होगा? एटॉमिक वेट। तो अपन को क्या सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वेट याद होने चाहिए क्या? इनके वेट अपन को याद होने चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखो सोडियम को ही ले लेते हैं एटॉमिक वेट में, ये अपन ने सिंबल ले लिया सोडियम। ठीक है, ये 11 और 23। ठीक है, अपन को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन, यहां पर अपने पास प्रोटॉन,
ये अपने पास न्यूट्रॉन। अपन को बेसिक इंफॉर्मेशन ये पता होने चाहिए, इनका मास, ठीक है, इनका वेट। इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो अपन को ध्यान होना चाहिए, दैट इज 0.0005 mu। ठीक है सर, अभी बता दूंगा बच्चों mu बेसिकली है क्या। ठीक है, प्रोटॉन का वेट सर, प्रोटॉन का जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू 1 mu। न्यूट्रॉन का वेट 1.005 amu। ठीक है, लगभग कैलकुलेशन में अपन इसको लगभग कितना मान लेंगे, 1 amu। ठीक है सर, इस इंफॉर्मेशन को बेसिकली अभी अपन ये ध्यान रखेंगे, ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, बाद में अपन इसको एएमयू को डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अपन वेट के लिए, मास के लिए अपने पास जो यूनिट होती थी, मास के लिए जो अपने पास यूनिट होती थी उसमें अपने पास, अपन ये पढ़ के आ चुके होते हैं कि ग्राम हो गया सर, केजी हो गया, अपन एक और नई यूनिट पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों क्या, एमयू। एमयू की और ग्राम में क्या रिलेशन होता है ये अपन को पता होना चाहिए अभी, कि 1 amu इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये रिलेशन। ठीक है, तो अभी अपन को बेसिकली, अभी अपन को क्या याद रखना है, अभी अपन को बेसिकली ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो वेट होते हैं वो एमयू में कितने होते हैं, एमयू में उसका डेटा क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन को ये ध्यान रखना है कि एमयू किसकी यूनिट है, बेसिकली ये मास की यूनिट है, जैसे ग्राम और किलोग्राम अपन जनरली पढ़ते हैं। क्या कुछ रिलेशन होता है क्या सर इसमें, हाँ रिलेशन होता है। देखो, एक एमयू कितना, कितने ग्राम के इक्वल, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। सर इससे मतलब ग्राम और एमयू में बड़ी यूनिट कौन सी है, तो एक्चुअल में एमयू सबसे छोटी यूनिट हो गई, किसकी यूनिट, वेट की सबसे छोटी यूनिट हो गई। ठीक है, तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुछ डेटा हो गया जो कि अपन को ऐसे याद होना चाहिए, ये फिक्स है बच्चों, ये डेटा अपन को एज इट इज याद होना चाहिए, ये अपने आगे भी काम में आएगा। इसमें अपन को ये समझ में आया कि सबसे जो हैवी एटम है, सबसे हैवी एटम कौन है, ये सबसे हैवी एलिमेंट है इसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या न्यूट्रॉन है क्या, ठीक है, और फिर उसके बाद किसका वेट है, प्रोटॉन का, क्या सबसे लाइटर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कि अपन को ये भी पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कैलकुलेशन में न्यूट्रॉन का वेट भी लगभग अपन क्या लिख देंगे, 1 amu। ठीक है, अब इसमें एटॉमिक वेट की बात करते हैं। देखो, एटॉमिक वेट जैसे मैं सोडियम के लिए बात करूंगा तो सोडियम में बेसिकली 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 11 प्रोटॉन, ठीक है, 11 न्यूट्रॉन, ऐसा ऐसा दे रखा है। ठीक है, चलो सॉरी, 11 न्यूट्रॉन, ये तो गलत हो गया भाई, न्यूट्रॉन तो कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बेसिकली मैं इनके वेट देखूंगा। देखो, एटॉमिक वेट, अगर मुझे सोडियम एटम का वेट लिखना है, अगर मुझे वेट लिखना है, वेट ऑफ सोडियम एटम, तो बेसिकली एटम के अंदर न्यूट्रॉन होंगे, तो 12 न्यूट्रॉन, उनका वेट लगभग कैलकुलेशन में कितना मानूंगा, 1 amu, वो अपन को पता है। अगर प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है, कैलकुलेशन में उनका वेट 1 amu। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 11 इलेक्ट्रॉन और उनका वेट 0.0005 mu। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू तो बहुत कम है, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ इसी को एडअप करेंगे, तो बेसिकली आप ऐड करोगे तो वेट ऑफ सोडियम एटम अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, 23 mu। कितना आ गया, 23 mu। कि ये रियल सोडियम का वेट है क्या, नहीं 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 नहीं, ये रियल सोडियम का वेट नहीं है, एक्चुअल में अपन ने किसको नेग्लेक्ट किया है, एक्चुअल में अपन ने किसको नेग्लेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो सर बेसिकली जो अपन ने वेट कैलकुलेट किया है वो बेसिकली रियल में सोडियम का वेट नहीं है, एक्चुअल में उसका ज्यादा होगा, उससे एक्चुअल में उसका वेट ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ने किसको नेग्लेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को। अरे कुछ तो वैल्यू होगी ना, 0.005 है, कुछ तो वैल्यू होगी, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली अपन को अभी तक क्या याद रखना है, अपन को इलेक्ट्रॉन का वेट याद रखना है, कितना,
0.0005 mu. अपन को याद क्या याद रखना है, प्रोटॉन का वेट कितना 1 mu, अपन को याद रखना है न्यूट्रॉन का वेट 1.005 mu. ठीक है, लगभग कैलकुलेशन में कितना मानना है 1 mu. सर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? सब सभी का वेट ऐड कर देते हैं तो क्या एटम का वेट आ जाता है क्या? ठीक है, क्या उसमें नेगलेक्ट कर दें क्या? इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट सोडियम का वेट कितना आया 23 mu. ठीक है सर. सर एक्चुअल में ये जो मास नंबर पढ़ा था इसका सिग्निफिकेंस ये था, एक्चुअल में ये जो अपन ने मास नंबर पढ़ा था इसका सिग्निफिकेंस ये था कि अगर आप बेसिकली मास नंबर के आगे mu लगा देंगे तो अपने पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट. अपने पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट. जैसे अपन अब देखते हैं यहां पर, अगर मुझे कुछ एलिमेंट एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट है जैसे मैंने लिखे ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632, हीलियम 24 और सोडियम 1123, कैल्शियम 2040, ठीक है, बेरिलियम 49. अब बेसिकली सभी एटम के सिंबल अपने पास हैं. ठीक है, एक्चुअल में धीरे धीरे अपन को याद भी हो जाएंगे और कुछ आगे तक जो होता है एटॉमिक नंबर उसके कुछ आगे तक के सिंबल गिवन भी होते हैं. ठीक है, नाउ अगर मैं यहां पर लिखूं तो देखो इसका मास नंबर दिख रहा है क्या, इसके आगे mu लगा दो, क्या हो गया सर? ये एटॉमिक वेट हो गया किसका? ऑक्सीजन का. ठीक है, देखिए इसके आगे 32 mu, क्या हो गया सर? ये एटॉमिक वेट हो गया. देखिए इसके आगे 4 mu, क्या हो गया सर? ये एटॉमिक वेट हो गया. ठीक है, 23 mu, क्या हो गया सर? ये एटॉमिक वेट हो गया. ठीक है, 40 mu, क्या हो गया सर? ये एटॉमिक वेट हो गया. 9 mu, क्या हो गया सर? ये एटॉमिक वेट हो गया. तो बेरिलियम का 9 mu, कैल्शियम का 40 mu, सोडियम का 23 mu. मतलब ये है कि अगर बेरिलियम का सिंगल एटम है, मतलब ये बेरिलियम का सिंगल एटम है तो उसका कितना वेट होता है? 9 mu. क्लियर है क्या? ठीक है, क्या सर ये एग्जैक्ट वेट है? ये एग्जैक्ट वेट नहीं है, थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है. बिकॉज अपन ने किसको नेगलेक्ट किया है? अपन ने नेगलेक्ट किया है इलेक्ट्रॉन को. ठीक है क्या बच्चों? तो अपना एटॉमिक वेट खत्म हुआ, उसकी डेफिनेशन अपन को समझ में आ गई. बेसिकली एक एटम का जो वेट होगा ना उसे अपन डिफाइन करेंगे कौन सा? एटॉमिक वेट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट में क्या, ये तो सिंपल ही कि सर इट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर जैसे अपन ने एक एटम का वेट निकाला, दैट इज एटॉमिक वेट. अगर अपन एक मॉलिक्यूल का वेट निकालेंगे तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट. इसको कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा H2O, ये मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, इधर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखते चलो. बहुत सिंपल है, अगर मैं जनरली यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे अलग से लिख लूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे अलग से लिख लूं, इसको ऐसे हटा दो, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने ऐसे अलग से लिख लिया. ठीक है, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखिए एटॉमिक वेट अभी पता होते हैं अपन को, अपन ने लिखे थे एटॉमिक वेट. हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16. ठीक है, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट मुझे निकालना है, अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो देख हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन कितना है 1, देख ऑक्सीजन का वेट 16, देख टोटल करेगा कितना 18, और ये भी किस में डिफाइन होता है? एमयू में. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी अपन किस में डिफाइन करते हैं? इसको भी डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किस में? एमयू में. देखो सर उधर कैल्शियम कार्बोनेट का भी कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्या कैल्शियम और कार्बन और क्या ऑक्सीजन, क्या इनका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए? क्या 40 होता है क्या? क्या 12 होता है क्या? क्या 16 होता है क्या? क्या सर इस मॉलिक्यूल का वेट लिख सकते हैं आप? बहुत सिंपली इस मॉलिक्यूल का वेट लिख सकते हैं. देखो मॉलिक्यूलर वेट
कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन का 3 × 16, दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 100 और यूनिट विल बी MU। तो बेसिकली मॉलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट बहुत ही सिंपल थे, दोनों को किसमें कैलकुलेट किया जाता है, MU में, ठीक है। एक एटम का वेट एटॉमिक वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट मॉलिक्यूलर वेट। ये डेफिनेशन हो गई, बहुत बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन थी ये। अपन ने कुछ मॉलिक्यूल और कुछ एटम के लिए अपन ने एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया, ठीक है। अब इसमें कुछ, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर देखो अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप इन फॉर्मूले से एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, अगर मुझे कभी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, अगर मानो मुझे कभी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो एक्चुअल में मुझे जो वेट गिवन होगा, एक्चुअल में जो मुझे गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट किस में बच्चों, MU में, और मैं डिवाइड किससे कर दूंगा, एटॉमिक वेट, वो भी किस में होता है बच्चों, MU में। तो इससे अपने पास क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, इससे अपने पास कैलकुलेट होके आ जाएगा बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इस पे। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहां पर दिया है 16 MU हीलियम, ठीक है, एक्चुअल में 16 MU हीलियम है। तो बेसिकली इसके अंदर अपन को कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अपन को कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेसिकली कैसे करते हैं, हीलियम के पहले एटम्स निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालने के लिए गिवन वेट MU में रखा हो, ये वैल्यू दे रखी है 16, अपन को हीलियम का सिंबल अपन को पता होता है एज इट इज 2 और 4, क्या एटॉमिक वेट क्या 4 है क्या, यहाँ पुट कर दो 4 MU, क्या सॉल्व किए तो वैल्यू कितनी 4। तो एक्चुअल में हीलियम के कितने एटम्स आ गए, हीलियम के एटम्स आ चुके हैं 4 हीलियम एटम, ठीक है। अब एक्चुअल में एटम्स आए, पूछा तो उसने क्या है, इलेक्ट्रॉन पूछा उसने, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए अपन को पता होता है एक हीलियम में ये अपन को सिंबल पता है कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कितने हीलियम है, 4 हीलियम है सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सॉल्व हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन वेट MU में रख दे, एटॉमिक वेट MU में रख दे और सॉल्व कर ले, और नंबर ऑफ जो भी कैलकुलेशन कराएगा वो अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो कैसा मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है क्या, हाँ भाई एक्चुअल में ऐसा मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है। देखो अगर मुझे कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पर वेट रख दूंगा किसमें, MU में। ये एक्चुअल में वेट कैसा होगा, गिवन वेट होगा, ठीक है। सब कुछ बात किसके लिए करनी है, मॉलिक्यूल के लिए, ठीक। अब यहां पर एक्चुअल में अपन को कौन सा वेट रखना पड़ेगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट, ये भी अपन किस में डिफाइन करते हैं, MU में, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल कर सकते हैं क्या, देखो कर सकते हैं बेशक। देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पे ऐसा आपको दिया है 54 MU H2O लिक्विड, ठीक है। चलो ये अपन को कुछ H2O लिक्विड का ऐसे वेट दे दिया, कितना, गिवन वेट 54 MU, और अपन से पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन करो। तो देखो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने, सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे बच्चों देखो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हो ना, तो आपके पास ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखो गिवन वेट रख दो और मॉलिक्यूलर वेट रख दो। जैसे मैं गिवन वेट रखता हूँ, गिवन वेट कितना है MU में, 54, ये मैंने पुट कर दिया 54 MU, ठीक है, 54 MU।
अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना होता है 18 MU। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई कितनी 3। तो एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है न्यूट्रॉन। तो देखो ध्यान से, अगर मैं एक H2O की बात करूं, अगर मैं एक H2O की बात करूं तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1H1 और ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, ठीक है। देखो हाइड्रोजन में तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में तो कितने, 0। लेकिन देखो इसमें एटॉम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, तो एक ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है, 8, ठीक है। तो एक H2O के अंदर, एक H2O के अंदर हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन है, मतलब कितने न्यूट्रॉन आएंगे, 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन H2O कितने हैं, 3। तो अपन बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं, बेसिकली 3H2O के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ये अपने पास आ गया कितने, 24 न्यूट्रॉन, सिंपल, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ना पास हुआ एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और उस पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको। सो एक्चुअल में बच्चों, तो ये अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। देखो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के बाद अपन को अब एंट्री करानी है किसकी, मोल की। तो बेसिकली एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट समझ में आया बच्चों, एक्चुअल में एटॉमिक वेट तो एक सिंगल एटम का वेट होता है, और मॉलिक्यूलर वेट होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल का वेट होता है। दोनों को किस में डिफाइन करते हैं, MU में, दोनों को किस में डिफाइन करते हैं, MU में, ठीक है। क्या वहां पर कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे अपन ने, वहां पर कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, देख अगर एटम का कुछ वेट गिवन है, एटम का कुछ भी गिवन वेट है, पर्टिकुलर्स एमयू में अगर गिवन है, तो अपन एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास क्या कैलकुलेट होकर आ जाते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ऐसी कहानी अपन किसके लिए करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी करते हैं। अगर गिवन वेट एमयू में ले लिया और मॉलिक्यूलर वेट को एमयू में ही, मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली एमयू में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम आने के बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कराएगा, वो इजीली अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, मॉल की एंट्री कराते हैं, बेसिकली मॉल है क्या, देखो इसके बाद अपना स्टार्ट होता है मॉल। देखो बच्चों एक्चुअली मॉल के लिए, मॉल बेसिकली एक नंबर है, मॉल बेसिकली एक नंबर है, लार्जेस्ट नंबर ऑन अर्थ, ठीक है। एक्चुअल में अपन ऐसे डिफाइन किया था, मॉल को ऐसे डिफाइन करते हैं, वन मॉल कितना होता है, 6.02 × 10³⁰, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो मॉल आ गया, ये बेसिकली एक क्वांटिटी आ गई। अगर कभी भी मॉल के बारे में जैसे मेरे से बोला जाए कि एक मोल पेन, मतलब तो मेरे माइंड में एकदम से ऐसा आना चाहिए कि जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 6.02 × 10³⁰ पेन हो गए भाई, ठीक है। तो जैसे ही मॉल की बात होगी, मतलब एक लार्जेस्ट क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे बिलियन ट्रिलियन अपन जानते ही हैं, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो नंबर दिया गया था ये भाई साहब एवोगाड्रो ने दिया था, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर इसको बोला गया, ठीक है। अब एवोगाड्रो नंबर के बेसिस पे अपन इसको उन्हीं के नाम पर ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में रख देते हैं, Na, ठीक है। आप इसको Na से रिप्लेस कर सकते हो, आप Na लिख दोगे मतलब वो समझ जाएंगे कि भाई 6.02 × 10³⁰, ठीक है। चलो अब इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको। मानो इस चैप्टर में किसी ने ऐसे लिख के दिया कि वन मॉल H प्लस, ठीक है, किसी ने ऐसे बोल दिया वन मॉल इलेक्ट्रॉन, किसी ने ऐसे बोल दिया वन मॉल कैल्शियम कार्बोनेट, तो इन सब का मतलब एक लार्जेस्ट क्वांटिटी दे रखी है भैया आपको। इसका मतलब ये है कि H प्लस कितना है, NaH प्लस है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितना है, Na इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, Na कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बेसिकली जस्ट मॉल का सिंपल सी मीनिंग ये होती है कि जब जब अपन को मॉल दिया जाएगा तो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा, ये एक लार्जेस्ट क्वांटिटी बता देगा, दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10³⁰।
इतना क्लियर है क्या? ठीक है चलो। अब सर मॉल आ तो गया, ये मॉल की मीनिंग समझ में आ गई कि अब इसको यूज कैसे करते। देखो इसको यूज करेंगे अभी, अभी पहले अपन एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं, एक दो डेफिनेशन और पढ़ते हैं। जैसे जैसे अपने पास है कौन सी डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक वेट, ये है अपने पास ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है सर, एक्चुअल में अपन ने एटॉमिक वेट पढ़ा था अभी, एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट में क्या फर्क है? क्या फर्क है बच्चों, तभी तो इसको दोबारा अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। एक्चुअल में क्या अलग है, देखो अपन ने वहां पर वेट ऑफ सिंगल एटम पढ़ा था, वेट ऑफ सिंगल एटम, लेकिन यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ग्राम एटॉमिक वेट को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो वेट ऑफ वन मोल एटम्स, ठीक है, विच इज मेजर्ड इन ग्राम, ठीक है। ठीक है सर, तो बेसिकली ये कुछ आ गया कि अपने पास एटॉमिक वेट तो एक एटम का था, लेकिन ग्राम एटॉमिक वेट जो है ना वो एक मोल एटम का वेट है। एक्चुअल में आप एक मोल एटम को कलेक्ट करो और उसका वेट कैलकुलेट करोगे ना, तब आप डिफाइन करोगे किसको, ग्राम एटॉमिक वेट को। और इसको मेजर किस में करते हैं, ग्राम में, जबकि एटॉमिक वेट को अपन ने मेजर किस में किया था, एमयू में। ठीक है क्या, चलो ठीक है। अब अपन ऐसे क्या कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि सर इस पे बहुत सारे एग्जांपल है, देखो एग्जांपल ही एग्जांपल है सब तरफ। ये देखो मैं लिखता हूं एग्जांपल, जैसे ऐसे क्या एटम के लिए डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली एटम के लिए ही डिफाइंड होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने लिया सोडियम ले लिया, ठीक है, अब सोडियम लिया तो 1123 हो गया, ठीक है, मास नंबर के आगे 23 एमयू लगा दिया, तो अगर मास नंबर के आगे डायरेक्टली एमयू लगा दूंगा तो सर ये तो कौन सा वेट होता है, ये तो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है करेक्ट, लेकिन मुझे तो ग्राम एटॉमिक वेट चाहिए, तो ऑब्वियसली करना क्या है, ये कितने एटम का वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है कितने एटम का, वन एटम का, ये होता है बेसिकली वन एटम के लिए वेट। ठीक, ये है वन एटम के लिए, ठीक है। अगर मुझे एक मोल एटम के लिए चाहिए, अगर मुझे एक मोल एटम के लिए चाहिए, तो मैं एक्चुअल में सोडियम के कितने मोल ले लूं, एक मोल सोडियम का मतलब है कितने सोडियम भाई, Na सोडियम एटम, ठीक है। अब एक मोल सोडियम एटम मतलब Na सोडियम एटम, तो एक एटम का वेट 23 है, तो दो एटम का कितना, 2 × 23, 4 एटम का, 4 × this, 10 का, 10 × this, तो Na सोडियम एटम का अगर मैं वेट लिखना चाहूँ, इसका अगर मैं वेट लिखना चाहूँ तो 23 mu, ये तो एक एटम का। अब बेसिकली यहाँ पर कितने एटम है, Na एटम, तो ये वेट आ गया, लेकिन सर ये तो एक्चुअल में वेट जो आएगा वो तो एमयू में आएगा यूनिट। तो देखो अब ध्यान रखो कि एक्चुअल में एमयू का जो कन्वर्जन अपन ने पढ़ा था ना, एक और कन्वर्जन अपन ध्यान रखते हैं, बेसिकली Na की टर्म्स में 1 mu = 1/Na ग्राम, 1 mu = 1/Na ग्राम। अब एक्चुअल में आप Na की वैल्यू पुट करोगे ना, तो जो सॉल्व होके आएगा ना वो वही रिलेशन आएगा जो कि अपन ने पढ़ा था, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, ठीक है। तो सर क्या इसको यहाँ पुट कर दें क्या, हाँ एक्चुअल में देखो पुट कर दो, तो 23 mu की जगह क्या रख दो, 1/Na, और Na से मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो डेटा किस में आ गया बच्चों, डेटा आ गया ग्राम में, तो डेटा आ गया ग्राम में, मतलब ग्राम एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर दिया आपने, तो अपन को ये पता चला ग्राम एटॉमिक वेट में कि कितने का वेट होना चाहिए, वन मोल एटम का वेट होना चाहिए, ठीक है। मेजर किस में किया जाना चाहिए, ग्राम में मेजर किया जाना चाहिए, ठीक है। और अपन को साथ के साथ एक रिलेशन भी ध्यान रखना है, 1 mu = 1/Na ग्राम, 1 mu = 1/Na ग्राम, ये कुछ फिक्स रिलेशन है, कन्वर्जन है, जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो क्या और भी एग्जांपल दे सकते हैं, और भी अपन एग्जांपल दे सकते हैं, क्या कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? देखो एक्चुअल में क्या है कि जो मास नंबर है ना,
जो मास नंबर है, मास नंबर के आगे ही अगर मैं एमयू लगा देता हूँ, मास नंबर के आगे एमयू लगा देता हूँ, तो कौन सा वेट आ जाता है? एटॉमिक वेट। अगर देख मैं मास नंबर के आगे डायरेक्टली क्या यूज कर लूँ, ग्राम, डायरेक्टली क्या यूज कर लूँ, ग्राम, तो डायरेक्टली मुझे कौन सा वेट मिल जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट। तो एक्चुअल में जो मास नंबर था ना, उसको मास नंबर इसलिए भी बोला था क्योंकि उसमें आप उससे डायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक वेट या फिर ग्राम एटॉमिक वेट, बस आपको यूनिट चेंज करनी है। जैसे सोडियम का मास नंबर 23 था, तो उससे एक इन्फॉर्मेशन तो ये मिल रही थी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है, मतलब आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रही है कि हर एटम का अगर आपको सिंबल पता है तो मास नंबर के आगे एमयू लगा दोगे तो डायरेक्टली कौन सा वेट दे देगा, एटॉमिक वेट। और अगर मास नंबर के आगे आपने ग्राम पुट कर दिया, ग्राम लगा दिया, तो बेसिकली आपको कौन सा वेट मिल जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है सर, एटॉमिक वेट आया था तो मॉलिक्यूलर वेट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां तक नोट कर लो उसको। अब देखो आगे बात करते हैं, बिल्कुल इसमें कुछ एग्जांपल कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हैं, देखो एग्जांपल ग्राम एटॉमिक वेट पे, देखो बताता हूं आपको मैं। जैसे ये है, ये कलर लेते हैं अपन, आपको ऐसा दिया है 8 ग्राम, आपको दिया है 8 ग्राम हीलियम, ठीक है, एटम्स, 8 ग्राम हीलियम एटम्स, ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही चुभ रहा है कलर, इसको लो, ठीक है, 8 ग्राम हीलियम एटम्स। ये देने के बाद आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी दोनों की कैलकुलेशन अपन को करनी है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको डेटा देखना है किसमें गिवन है, ग्राम में। जब डेटा एमयू में गिवन होता है तो अपन किससे डिवाइड करते हैं, एटॉमिक वेट से, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आते हैं। ऐसा किया था, फॉर्मूला बनाया था, याद करो, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, अभी वेट किसमें गिवन है, ग्राम में, अभी वेट ग्राम में गिवन है एटम का, तो बेसिकली अपन एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ, अगर ग्राम में डेटा है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं गिवन वेट, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा ग्राम एटॉमिक वेट, तो मेरे पास मोल्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे, अब देखो मैं पहले मोल्स निकालता हूँ, तो इसमें डेटा रखूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा, थोड़ा कलरफुल बना लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, तो गिवन वेट कितना है, पुट कर देते हैं, कितना आ गया, 8 ग्राम, ग्राम एटॉमिक वेट अपन को पता होता है कितना होता है इसका, 4 ग्राम, सॉल्व करेंगे तो मोल्स आ गए कितने, 2 मोल्स। देखो हीलियम का सिंबल पता है ना अपन को, हीलियम अपन जानते हैं भाई, ऐसे 2 और 4, तो एक्चुअल में 4 के आगे ग्राम लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट। अगर 4 के आगे एमयू लगा देता हूं तो क्या बन जाता है, एटॉमिक वेट, ठीक है। और अगर डेटा ग्राम में होता है, एटम्स का जो वेट है वो कुछ ग्राम में दे रखा है, अब उसमें कितने एटम्स हैं अपन को तो नहीं पता, तो वह कैलकुलेट करने के लिए अपन ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करके पहले मोल्स निकालते हैं। अगर मानो एटम्स का जो वेट है वो एमयू में दे रखा है, उसमें कितने एटम हैं अपन को नहीं पता, तो अपन नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो सर, मोल्स आगे पूछा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, हाँ, तो अभी इसी पे आते हैं। देखो अब देखो 2 मोल्स हीलियम, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, 2Na हीलियम, आपको बताया था 1 मोल Na ही तो है, अबे 6.02 × 10³, बस क्वांटिटी को तो बताता है, ठीक है, तो 2 मोल है हीलियम आ गया, मतलब 2Na हीलियम, 1 मोल Na, 2 मोल 2Na, ठीक है। चलो अब छोटी कैलकुलेशन ये है कि अगर अपने पास हीलियम का एक एटम है, अगर सर अपने पास हीलियम का एक एटम है तो उसमें देखो सर, ये एटॉमिक नंबर से अपन के प्रोटॉन निकाल लेंगे क्या, हाँ भाई,
क्या सर ये मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या न्यूट्रॉन लिख सकते हैं क्या सर? हाँ भाई, तो सर एक हीलियम में तो दिख गए कितने प्रोटॉन है, दो हैं, और सर एक ही हीलियम में कितने न्यूट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है, मतलब 10 में कितने होंगे, 20 के मल्टीप्लाई करते जाना है क्या? ठीक है सर, हीलियम एक्चुअल में कितने हैं? सर हीलियम तो 2Na है, तो सर अगर मैं 2Na के लिए कैलकुलेशन करूँ, 2Na हीलियम में बात करूँ, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, एक में दो, तो 2Na में आंसर कितना, 4Na। क्या मैं इसमें न्यूट्रॉन भी निकाल सकता हूँ क्या? क्या सेम ही आंसर आएगा क्या, 4Na? हाँ भाई सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरी बात अपनी हो गई किसकी, ग्राम एटॉमिक वेट की। क्या इस पे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं? अपन ने किए भी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डेटा दे रखा है, फॉर्मूले में क्या रखना है। ठीक है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, क्या कैलकुलेट करा रहा है बेसिकली। ये नहीं कैलकुलेट न्यूट्रॉन पूछ रहा है, सिर्फ मोल्स निकाल के रख दिए हीलियम के, है ना? तो एक्चुअल में ध्यान रखना है कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, नोट कर लो इसको आप। ठीक है, अब अपन देखो बात करते हैं आगे। अब देखो वैसा इसका मिलता जुलता भाई है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सर मॉलिक्यूलर वेट तो पढ़ाया था आपने, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या सेम ही है क्या? नहीं, अलग है। जैसा एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक वेट में डिफरेंस है, वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर ऐसे कुछ किया सर, पहले इसको डिफाइन किया ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब एक्चुअल में जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, उसकी डेफिनेशन सेम डिट्टो किसकी तरह है, एटॉमिक वेट की तरह। तो देखो इसको भी ऐसे डिफाइन किया अपन ने, वेट ऑफ वन मॉल, इसको थोड़ा सा सही करो, वेट ऑफ वन मॉल मॉलिक्यूल्स, और ये किस में मेजर किया जाएगा, ये मेजर किया जाएगा ग्राम में। ठीक है, चलो जैसे ग्राम एटॉमिक वेट नाम में ही लिखा हुआ है ग्राम है, तो एक्चुअल में एक मोल मॉलिक्यूल के वेट को कलेक्ट करेंगे, उसका डेटा ग्राम में निकालेंगे, और उसे ही अपन बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। सर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत एग्जाम्पल है, देख भाई। जैसे मॉलिक्यूल ले लेते हैं, देखो अभी मैंने आपको सिखाया था एक H2O का जो वेट होता है वो कितना बताया था आपको, 18 mu। कि मैंने आपको बताया था एक मॉलिक्यूल के लिए उसको अपन वेट को क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब लेकिन मुझे कितने मॉलिक्यूल की बात करनी है, मुझे एक मोल की बात करनी है। ठीक है, तो मैं एक मोल H2O ले लेता हूँ पहले। ठीक है सर, जैसे अपन एक मोल H2O लेंगे, क्या सर एक मोल H2O का मतलब NaH2O होता है क्या? ठीक है, NaH2O होता है। क्या सर एक का तो 18 है, NaH2O का कितना वेट हो जाएगा, Na इंटू 18 mu, ये वेट हो गया। सर ये कितने का वेट हो गया, एक मोल का। ये वेट तो कितने का था, एक मॉलिक्यूल का, ये वेट हो गया सर एक मोल का। ठीक है, अब सर क्या कन्वर्जन लगा देंगे क्या? हाँ, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन लगा देंगे। देखो अपन को पता होता है Na 18 और 1 mu को अपन क्या लिखते हैं, 1/Na ग्राम। ठीक है, तो Na से Na गया, सॉल्व होके कितना आ गया, 18 ग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर भी सिंपल वैसा ही है कि अगर आपको किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट लिखना है या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखना है तो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू चेंज होती नहीं है। देखो H2O में एटॉमिक वेट की हेल्प से अपन ने 18 mu लिखा था। ठीक है, अब देखो एक मोल में भी 18 ही आ रहा है, लेकिन डेटा किस में आ रहा है, ग्राम में। mu लगा देंगे तो एक मॉलिक्यूल का वेट, और ग्राम लगा देंगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का वेट। एटम के वेट में अगर mu में है तो एटॉमिक वेट बोल देंगे, और उसी के आगे ग्राम लगा देंगे तो ग्राम एटॉमिक वेट। फर्क क्या है, बहुत फर्क है। एटॉमिक वेट कितने एटम का वेट होता है, एक एटम का, और ग्राम एटॉमिक वेट कितने मोल का, एक मोल का। मॉलिक्यूलर वेट कितने मॉलिक्यूल का वेट, एक मॉलिक्यूल का, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितने मॉलिक्यूल का, एक मोल मॉलिक्यूल का। ठीक है, मोल बोले तो एक क्वांटिटी है 6.02 × 10^23 बस। ठीक है, कि यहाँ पर भी सेम वैसे क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, सेम वैसे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। देखो यहाँ पर भी जैसे अपन को दिया 54 ग्राम आइस। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है,
54 ग्राम आइस, ठीक है, इसमें अपन को कैलकुलेट करना है। इसमें देखो अपन को कैलकुलेट करना है फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले देखो आपको वेट दिया है 54 ग्राम आइस, ठीक है, तो अपने पास ये हो गया। अपन एस को ऐसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। जब डेटा ग्राम में दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका, आई से मतलब ये अपने पास मॉलिक्यूल के डेटा दे रखा है, मॉलिक्यूल का डेटा दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अपन के पास ये फॉर्मेट रहेगा। गिवन वेट अपन को रख देना है, गिवन वेट ये ध्यान रखना किस में रखोगे, ग्राम में, और गिवन वेट को किससे डिवाइड करो, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, किससे डिवाइड कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आ जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो एक में इतनी कैलकुलेशन और पर्टिकुलर जितने ही मॉलिक्यूल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखो अब ध्यान से यहाँ पर मुझे 54 ग्राम दिया है तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक बार नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूँगा तो कितना ग्राम है, 54 ग्राम, ठीक है, और मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अभी पता होता है, 18 ग्राम लिखता हूँ मैं H2O का, अगर MU लिख दूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम लगा दूंगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये सिंपली ये कैलकुलेट करके कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए सर, ठीक है। 3 मोल्स किसके आए सर, H2O के, ठीक है। क्या सर 3 मोल्स को 3Na लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3Na लिख सकते हो ना भाई, ठीक है सर, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब सर न्यूट्रॉन सर अभी कैलकुलेट किए थे तो उसमें देखा था एक H2O में, कैलकुलेट किए थे एक H2O में न्यूट्रॉन आ रहे थे सर 8 न्यूट्रॉन, तो सर एक्चुअल में कितने Na हैं, 3Na H2O में, इतने H2O के मॉलिक्यूल हैं तो सर 3Na H2O में कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3Na से, तो बेसिकली सॉल्व होके आ गया 24Na। ये क्वेश्चन खत्म हुआ अपना, ठीक है। तो बेसिकली अपन को चार डेफिनेशन आ गई, पहली एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट से याद आना चाहिए एक ही एटम का वेट है सिंगल एटम का और किसमें मेजर करना है MU में। दूसरी डेफिनेशन मॉलिक्यूलर वेट, एक ही मॉलिक्यूल का वेट है वो भी किसमें डिफाइन होगा, किसमें मेजर करना है MU में। तीसरी डेफिनेशन ग्राम एटॉमिक वेट, सर एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक वेट भी किसमें डिफाइन होगा, वो ग्राम में डिफाइन होगा लेकिन वो एक एटम का वेट नहीं है, कितने का वेट है, 1 मोल का वेट है, ठीक है चलो। और सर लास्ट में ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, वो कितने मॉलिक्यूल का वेट है, एक मोल का, ठीक है, एक मोल का वेट है एक्चुअल में, जो कि किसमें किसमें कैलकुलेट करना है अपन को, वो भी ग्राम में, ठीक है। सर एक्चुअल में अगर मुझे एटम्स निकालने हैं एटॉमिक वेट की हेल्प से, तो एटम्स का जो भी वेट गिवन हो उससे डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो जो भी मॉलिक्यूल का गिवन वेट हो उसको किससे डिवाइड कर दे, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। अगर सर मेरे पास कुछ मुझे ग्राम एटॉमिक वेट से मुझे एटम्स निकालने, तो पहले मोल्स निकलेंगे, जो भी एटम का वेट है ग्राम में उसको डिवाइड कर दो ग्राम एटॉमिक वेट से, तो क्या आ जाएंगे, मोल्स, और एक मोल बोले तो Na है, ठीक है, तो उससे अपन निकाल लेंगे कितने एटम्स हैं। अगर मुझे सर मॉलिक्यूल निकालने विद द हेल्प ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो एक्चुअल में आपके पास जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूल का कुछ वेट गिवन होगा किसमें, ग्राम में, तो आप क्या करो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो और नंबर ऑफ मोल्स पे ले आएंगे, फिर आप उससे मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो, जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तो बेसिकली अपनी बेसिक जो टर्म्स थी जिसमें अपन ने देखा कि ग्राम एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम एटॉमिक वेट। अब एक्चुअल में क्या है, ये कुछ टर्म्स जो एटम के लिए डिफाइन है, कुछ ओनली मॉलिक्यूल के डिफाइन है, अब अपन एक नई टर्म को एंटर कराएंगे, वही मैंने अपने लिए, और उसी से अपन ये जो क्वेश्चन अपन ने फॉर्मेट बनाया ना, ये सब बहुत सिंपल हो जाएंगे। अपन एक ही टर्म्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलर मास। एक्चुअल में मोलर मास एटम के भी एटम्स के लिए भी डिफाइन है और एज वेल एज मॉलिक्यूल के लिए भी, तो अपन दोनों के लिए लिख सकते हैं और मोलर मास को फिर अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो मोलर मास को फिर अपन पढ़ेंगे।